हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आपने दुनिया में बहुत सारे ऐसे चीज़ देखे होंगे जो खूबसूरत भी है, कुछ बदसूरत भी है, कुछ छोटा भी है तो कुछ बड़ा भी है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बतख के बारे में, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा खूबसूरत बतख के जो सूची है उसमें शामिल है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं, और आप लोग स्किप किए बिना वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नया है तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना चैनल में काम करना मज़ा नहीं आता यार। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, लॉन्ग टेल डक। इस बतख को ओल्ड स्क्वा नाम से भी जाना जाता है, और मेल फीमेल की वेट की बात की जाए तो 750 ग्राम से 950 ग्राम तक की होती है। और लॉन्ग टेल डक उच्च आर्कटिक पर प्रजनन करती है, और सर्दियां ज़्यादातर समुद्री तटों पर बिताती है। और लंबी पूंछ वाला यह बतख अपना खाना ढूंढने के लिए समंदर का 200 फीट तक नीचे जाता है, और समंदर का छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा और मछली पकड़कर खाता है। और लॉन्ग टेल डक ज़्यादातर उत्तरी स्कॉटलैंड, शेटलैंड और ऑर्कनी में देखने को मिलता है। दो नंबर, ब्लैक बेलीड व्हिसेलिंग डक। और यह बतख अमेरिका में उत्पत्ति हुई एक प्रजाति है, और 1950 के बाद जब उत्तरी अमेरिका में पॉपुलेशन ज़्यादा होने लगा, और तब से यह बतख का प्रजातियाँ धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि ब्लैक बेलीड व्हिसेलिंग डक ज़्यादातर ज़मीन पर ही नेस्टिंग करता है। और यह बतख जिंदा रहने के लिए तरह तरह के बीज, घास फूस और कीड़ा मकोड़ा खाते हैं। और ब्लैक बेलीड व्हिसेलिंग डक का लाइफ स्पैन की बात की जाए तो आराम से वाइल्ड में 15 ईयर्स तक जिंदा रह सकते हैं। तीन नंबर, किंग आइदर। और किंग आइदर एक बड़ी समुद्री बतख है जो उत्तर पूर्वी यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया के उत्तरी गोलार्धों के आर्कटिक तटों पर प्रजनन करती है। और ये बतख जून और जुलाई में प्रजनन के लिए आर्कटिक तुंड्रा में चले जाते हैं। वे घास से ढकी जमीन पर और नीचे खुरस कर 4 से 7 अंडे देते हैं। किंग आइदर का भोजन की बात की जाए तो ये शंख, शैवाल और क्रस्टेशियंस खाते हैं, और भूमि में तरह तरह का कीड़े और पौधा खाते हैं, और समंदर में 180 फीट की गहराई पर भी यह शिकार करता है। दो नंबर, वुड डक। इसे कैरोलिना डक भी कहा जाता है, और यह उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले एक पार्सिंग डक की ही प्रजाति है। और वुड डक उत्तरी अमेरिका का सबसे खूबसूरत जलपक्षी में से एक है, और ये एक मीडियम साइज़ का ही बतख है, और इसके वज़न की बात की जाए तो ये हर एक का 450 ग्राम से 850 ग्राम तक की होती है, और मेल और फीमेल में थोड़ा ऊपर या नीचे होती है, क्योंकि मेल का वज़न थोड़ा ज़्यादा होती है फीमेल का तुलना में। और उड्डक मार्च और अप्रैल महीने में 10 से 12 अंडे देते हैं, जो 35 से 40 डेज के अंदर फुल्ली हैचिंग होकर बच्चा बाहर निकल आते हैं। और उड्डक का दूसरा ब्रीड भी है जो सफ़ेद में है, और ये देखने में माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लगता है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। एक नंबर, मैंडरिन डक। और मैंडरिन डक दुनिया का सबसे खूबसूरत डक्स में से एक है, और ऐसा लगता है इस बतख को ऊपर वाला ने खुद अपने हाथों से कोई पेंटिंग बनाए है। और दुनिया में ऐसा कोई बतख पैदा ही नहीं हुआ जिसको मैंडरिन डक के साथ तुलना किया जा सके। और मैंडरिन डक कीड़ा मकोड़ा, छोटा छोटा मछली के साथ तरह तरह की सीड्स खा के जिंदा रहते हैं। और मैंडरिन डक का दो ब्रीड्स है, सफ़ेद कलर में है और देखने में भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। और भाइयों, आज के लिए वीडियो इतना ही, और कौन सा बतख को कौन सा नंबर पर रखना चाहिए था यह हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो देख के अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दी गई बेल आइकन को भी दबाना, ताकि आगे से हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप देख पाए।